नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। यूपी में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 29,754 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस बीच 162 मरीजों की मौत भी हुई है। वहीं यूपी सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। यूपी में अब 18 साल की उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगेगी। यूपी सरकार ने एक और बड़ा फैसला करते हुए ऐलान किया कि अब राज्य के किसी भी अस्पताल में भर्ती होने के लिए सीएमओ की चिट्ठी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यूपी में अब शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक साप्ताहिक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। इन दो दिनों में पूरे राज्य में सैनिटाइजेशन, स्वच्छता और सफाई का काम किया जाएगा। वहीं अब सभी जिलों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। भारत सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए भी टीकाकरण कराने का ऐलान किया है और हम प्रधानमंत्री जी के इस कदम का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 1 मई से जो 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए टीकाकरण के लिए जो व्यवस्था की है, मैं समझता हूं कि इसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन के पहले दिन राजधानी की अहम सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। भीड़भाड़ वाले हालात इलाके जो थे वहां दिल्ली की सीमाओं पर बने दिखे, जहां पुलिस वाले दिल्ली में घुस रही गाड़ियों की जांच करते रहे और हर गाड़ी को रोककर उससे दिल्ली में आने की वजह पूछते रहे। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आने की इजाजत दी गई। इसके अलावा जिनके पास ट्रेन या फ्लाइट की टिकट हो, उन्हें भी नहीं रोका गया। दिल्ली पुलिस के जवान मास्क और फेस शील्ड लगाकर पूरी सावधानी के साथ जांच में जुटे रहे। दिल्ली नोएडा बॉर्डर का नजारा है और यहाँ से उत्तर प्रदेश नोएडा से आने वाले जितने भी वाहन है वो दिल्ली में एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। दिल्ली के अंदर के इलाकों में सड़कों पर ट्रैफिक ना के बराबर ही रहा। हमेशा ट्रैफिक जाम से बेहाल रहने वाले द्वारिका मोड़ पर भी इक्का दुक्का गाड़ियां दिखी, जिसकी जांच में पुलिस वाले लगे रहे। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर भी रहा, जहां पुलिस वाले बैरिकेडिंग लगाकर बैठे रहे। ज्यादातर गाड़ियां जरूरी सेवाओं से जुड़ी हुई या माल ढुलाई से जुड़ी हुई दिखी, जिन्हें रोका नहीं गया, जबकि हर संदिग्ध गाड़ी को रोककर पूछताछ की गई। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के चालान भी किए गए। देशवासियों से बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों से अपील की कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प समझा जाए। उन्होंने साफ कहा कि लोगों की सेहत के साथ अर्थव्यवस्था की सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। पीएम ने इस संबोधन में यह भी कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण का काम लगभग पूरा होने की वजह से कोरोना से लड़ाई में देश को बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण का अभियान शुरू होने के बावजूद उन लोगों को टीका लगाने का काम नहीं रुकेगा जिन्हें पहले से टीका लगाया जा रहा है। हौसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और सीनियर सिटीजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन का लाभ मिल चुका है। साथियों, कल ही वैक्सीन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष की ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग
मध्यम वर्ग के लोग, 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से लागू कर्फ्यू को तोड़ने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। इस महामारी पर लगाम लगाने के लिए कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया ताकि लोग घरों से बाहर ना निकले, लेकिन इसके बावजूद कई लोग बिना जरूरी काम के बाहर सड़कों पर घूमते दिखाई दिए, जिन्हें बाद में पुलिस की मार खानी पड़ी। मंडला से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में पुलिस मोटरसाइकिलों से बाहर निकलने वालों पर प्लास्टिक की पाइप बरसाती नजर आई। कर्फ्यू तोड़ने पर मोटरसाइकिलों के टायर की हवा निकाल दी गई। इसके साथ ही पुलिस ने इस तरह की गलती करने वालों को सख्त चेतावनी भी दी। इतना ही नहीं, कई लोगों से कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई गई। कर्फ्यू में गाड़ियों की जांच करने के लिए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगाए थे। वहीं उन दुकानों को भी बंद कराया गया जो चोरी छिपे खोले गए थे। पूरे शहर में इसी तरह का नजारा दिखाई दिया। देवास में भी कर्फ्यू तोड़ना कई लोगों को महंगा पड़ा। इस दौरान तय वक्त से ज्यादा समय तक एक शोरूम खोले रखने के आरोप में प्रशासन ने कार्रवाई की। कर्फ्यू तोड़ने वालों पर सख्ती की ऐसी ही तस्वीरें राज्य के कई दूसरे जिलों से भी सामने आई। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार हर गुजरते दिन के साथ तेज होती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 28,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जो महामारी शुरू होने के बाद से एक दिन में आए सबसे ज्यादा केस है। यही नहीं, इस बीमारी की चपेट में आने से रिकॉर्ड 277 लोगों की मौत हो गई, जो एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में 85,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और मरने वालों का आंकड़ा 12,500 के पार पहुंच चुका है। ऊपर से अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी ने लोगों के साथ सरकार की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सीबीएसई के बाद आईसीएसई ने भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर फैसला ले लिया। न्यूज 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि कोरोना वायरस से हालात बिगड़ने के बाद आईसीएसई ने 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों की परीक्षाएं रद्द कर दी, जबकि 12वीं की परीक्षाओं को रद्द नहीं किया गया है। पहले ही 12वीं की परीक्षाओं को टालने का ऐलान किया जा चुका है। 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों के एग्जाम्स की तारीखों का ऐलान जून में किया जा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के दावे पर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई। राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यह दावा किया कि दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों में कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बचा है। यही नहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से मदद भी मांगी। इससे पहले गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में ये जानकारी दी गई। दिल्ली में 220 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है और 378 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। यही नहीं, गृह मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर ये भी कहा गया कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसके लिए कई बड़े अधिकारियों को लगाया गया है जो ये देख रहे हैं कि हर राज्य को ऑक्सीजन सही तरीके से मिल पाए। पहले दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन सेंट्रल ने दे रखी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा फिक्स करती है हर एक राज्य का, तो पहले जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को दे रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे अब दिल्ली का काम नहीं चल रहा। हमने पिछले एक हफ्ते से बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए, मरीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उस पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और आज हमारे साथ स्थिति यह है कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है। कोरोना संकट में सख्ती के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ी राहत मिल गई। न्यूज 18 के एहतिशाम खान की रिपोर्ट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने रोक लगा दी है। यानी यूपी के उन 5 शहरों में लॉकडाउन नहीं लगेगा जिसका आदेश हाई कोर्ट ने दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक सलाहकार नियुक्त किया जो इन शहरों की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देंगे। अब इस मामले में की गई सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। इस बीच सरकार ने उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, यानी शनिवार और रविवार बंद रहेगा। हालांकि जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी और इस दौरान सैनिटाइज करने का काम भी चलेगा। कोरोना से जूझ रहे देश के लिए केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को बनाने के में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल को आयात शुल्क से मुक्त कर दिया है। पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और कहा कि इससे रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई भी बढ़ेगी और साथ ही इससे लागत भी घटेगी। इससे पहले सरकार ने रेमडेसिविर के दाम कम किए थे।
एक दिन में कोरोना के 3000 से ज्यादा केस मिलने से उत्तराखंड में हड़कंप मच गया। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं और इस बीमारी की चपेट में आने से 27 लोगों की जान चली गई। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हिमाचल सरकार ने पाबंदियों को और सख्त कर दिया। अब शनिवार और रविवार को सभी बाजार, मॉल, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। पूरे राज्य में शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोग ही शामिल होंगे। इसके अलावा सभी शिक्षण संस्थान बच्चों और शिक्षकों के लिए 1 मई तक बंद रहेंगे। पाकिस्तान में फ्रांसीसी राजदूत के देश से निकालने को लेकर बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर विवाद हुआ। मामला यहां तक बढ़ गया कि शांत स्वभाव के माने जाने वाले पाकिस्तान के पूर्व पीएम शाहिद खाकन अब्बासी ने स्पीकर असद कैसर को जूतों से मारने तक की धमकी दे दी। यूपी के बलिया में पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया बदमाश अवैध हथियार बनाने और उसे बेचने का काम करता था। पुलिस को उसके पास से कई तमंचे भी बरामद हुए हैं, जिसे वो पंचायत चुनाव में खपाने की कोशिश में जुटा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए टाटा ग्रुप की तरफ से 24 क्रायोजेनिक कंटेनर मंगाने के फैसले का स्वागत किया। पश्चिम बंगाल में महज 8 दिनों के अंदर कोरोना के केस दोगुने हो गए। पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में कोरोना के 9,800 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, जो महामारी शुरू होने के बाद से एक दिन में आए सबसे ज्यादा केस है। हरियाणा की भिवानी में अपनी दादी के साथ बस स्टैंड पर बैठे 5 साल के बच्चे का बदमाशों ने दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेकते हुए दंगों के आरोपी तहरीके लब्बैक के नेता साद हुसैन रिजवी को रिहा कर दिया। 12 अप्रैल से लाहौर के कोट लखपत जेल में बंद साद हुसैन रिजवी को रिहा करने का फैसला पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री की कट्टरपंथी संगठन के साथ हुई बातचीत के बाद लिया गया। अमेरिका के मिनेसोटा में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने पुलिसकर्मी डेरेक चौबिन को इस केस में दोषी मानते हुए उसे जेल भेज दिया। अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पिछले साल 25 मई को पुलिस की ज्यादती की वजह से मौत हो गई थी और तब से पूरे अमेरिका में उसे इंसाफ दिलाने की जंग छिड़ी हुई थी। कोर्ट का फैसला आते ही इसके लिए लड़ रहे लोग खुशी से झूम उठे। अदालत के बाहर जमा हुई लोगों की भीड़ तालियां बजाकर और एक दूसरे से गले मिलकर जॉर्ज फ्लॉयड को मिले इंसाफ का जश्न मनाती दिखाई दी। इतनी लंबी लड़ाई के बाद मिली जीत पर कुछ लोग भावुक भी हो गए। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने बताया कि इस फैसले से उन्हें काफी हिम्मत मिली और अब वो रंगभेद से जुड़े बाकी मामलों पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। I'm super grateful that this is the verdict and that we can now move to the next case with joy and hope. इससे पहले कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने 45 साल के डेरेक चौबिन को जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का दोषी करार दिया, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस उसके हाथों में हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले गई। कोरोना के कहर और वैक्सीन पर मचे घमासान के बीच दो राहत भरी खबरें आईं। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में अपनी वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की इजाजत मांगी। ये टीका सिंगल डोज यानी एक बार लगवाना होता है, जबकि अभी जो दो वैक्सीन है यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसके इस्तेमाल के लिए आपको 2 डोज लगवानी होती है। ऐसे में इनकी कमी ना हो, इसलिए भारत बायोटेक ने टीका लगाने की मुहिम में तेजी लाने के लिए उत्पादन बढ़ाने का ऐलान किया। कंपनी के मुताबिक अब वो सालाना 70 करोड़ डोज तैयार करेगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से झकझोर कर रख देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुत्तों के झुंड ने 7 साल की एक बच्ची पर हमला कर दिया। बताया गया ये बच्ची कुछ सामान खरीदने के लिए घर से बाहर निकली थी, तभी गली के कुछ कुत्ते उस पर टूट पड़े। सामने आए वीडियो में साफ दिखा कि बच्ची जैसे ही एक गली के पास पहुंची, तभी कुत्तों के झुंड ने उसे घेर लिया। उन्होंने उस मासूम को सड़क पर गिरा दिया। इतने में कुछ और कुत्ते भी उसके साथ जुड़ते चले गए। हमले के दौरान कुत्तों ने उसे सड़क पर कुछ दूरी तक घसीट दिया और वो बच्ची खुद को बचाने के लिए कुछ न कर सकी। बच्ची को कुत्तों से घिरा देख सड़क से गुजर रहे कुछ लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे और हमलावर कुत्तों को वहां से भगाया। इस हमले में बच्ची जख्मी हो गई, जिसका अस्पताल ले जाकर इलाज कराया गया। यूपी के प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव के समय एक मतदान केंद्र पर हुए हंगामे और तोड़फोड़ का वीडियो सामने आया। बताया गया कि ये वीडियो वहां के त्रिलोकपुर बूथ का है, जहां 2 दिन पहले दूसरे चरण में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हुई और तभी कुछ लोगों ने इस मतदान केंद्र पर धावा बोल दिया था, जिसकी डरा देने वाली एक झलक सामने आई इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दी। मतदान के बीच कुछ लोग अचानक इस बूथ पर पहुंचे और उस पर टूट पड़े। चंद मिनटों में लोगों ने पूरे पोलिंग बूथ को तहस नहस कर दिया। कुर्सियां, मेज, यहां तक कि मत पेटियों को भी इन्होंने नहीं बख्शा। वे
बेखौफ तोड़फोड़ और हंगामा कर रहे ये लोग एक उम्मीदवार के समर्थक बताए गए। कानून को ताक पर रखकर खुलेआम कोहराम मचाने वाले इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और उन्हें पकड़ने की कवायद शुरू कर दी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी को कोरोना हो गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद केजरीवाल भी क्वारंटीन हो गए। हांगकांग ने भारत से आने वाली सभी उड़ानों पर पाबंदी लगा दी। हांगकांग का दावा है कि दिल्ली से गए 49 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत के अलावा पाकिस्तान और फिलीपींस की उड़ानों पर भी बैन रहेगा। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट के एक जज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। बताया गया कि ये जज पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले की सुनवाई से जुड़े थे, लेकिन कोरोना रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए। इन नंबरों पर फोन कर लोग कोरोना संकट में मदद मांग सकते हैं। मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीन सेंटर BKC पर फिर वैक्सीन खत्म हो गई, जिसके बाद वहां बैरिकेड लगाकर अंदर जाने के रास्ते को बंद कर दिया गया। ऐसे में टीका लगवाने पहुंचे लोगों की भीड़ वहां धीरे धीरे इकट्ठा होती चली गई। यहां पर वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से लोगों का जमावड़ा जम गया है। इन हालात में कुछ लोगों ने 1 मई से 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने के फैसले पर सवाल उठा दिए। भीड़ तो होने वाली है, क्योंकि अभी सीनियर सिटीजन खत्म नहीं हुआ है, तो बच्चे लोगों को कहां से पूरा पड़ेगा। राजस्थान सरकार ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पूरे राज्य में नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाने का फैसला लिया है। इस अभियान के तहत लोगों से बिना मास्क के बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है, ताकि लोग कोरोना की चपेट में आने से बचे रह पाए। लेकिन जो लोग बिना मास्क के घर से बाहर निकलेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी राज्य में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में वहां कोरोना के 12,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि 64 लोगों ने इस बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया। सबसे ज्यादा खराब हालात राजधानी जयपुर के हैं। वहां पिछले 24 घंटे में 1,875 कोरोना मरीज सामने आए, जबकि उदयपुर में 932 नए केस मिले हैं। यही नहीं, पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा 17 मौतें जोधपुर में हुई हैं। हालात संभालने के लिए पूरे राज्य में 21 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। देश में कोरोना वैक्सीन पर जारी घमासान के बीच एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि देश भर में 11 अप्रैल तक कोरोना वैक्सीन की 44 लाख से ज्यादा डोज बर्बाद हुई है। एक RTI से मिली इस जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु में वैक्सीन की सबसे ज्यादा बर्बादी की बात सामने आई है। वहां पर 12% वैक्सीन खराब हुई है और इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हरियाणा रहा, जहां 10% बर्बादी हुई है, जबकि पंजाब और मणिपुर में 8-8% वैक्सीन की डोज खराब हुई। हालांकि कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जहां वैक्सीन का नुकसान नहीं हुआ। इनमें केरल, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार के साथ लक्षद्वीप भी शामिल है। कोरोना के कहर के बीच मुंबई में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें आरोप है कि डॉक्टरों ने एक जिंदा कोरोना मरीज को मरा हुआ समझकर उसे बैग में पैक कर दिया, लेकिन तभी उस बैग में हरकत होने लगी और जब उसे खोला गया तो मरीज अपना सिर हिलाता हुआ नजर आया। ये देखकर वहां मौजूद लोग सभी चौंक गए, क्योंकि जिस मरीज को बैग में पैक किया गया था उसकी सांसें चल रही। इस वीडियो के वायरल होते ही BMC ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। राजस्थान में लॉकडाउन लागू होने के बाद छात्रों और मजदूरों ने घरों की तरफ लौटना शुरू कर दिया। कोरोना से हालात बिगड़ता देख राजस्थान में लॉकडाउन लागू कर दिया गया, लेकिन लॉकडाउन के लंबा चलने की आशंका ने वहां रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों और कामगारों को डरा दिया। राजधानी जयपुर से जो तस्वीरें सामने आई उनमें बड़ी संख्या में छात्र घर लौटने के लिए बसों का इंतजार करते दिखाई दिए। हर कोई इस वक्त अपने घर लौटना चाहता है, चाहे वो खुद जाना चाहते हो या फिर ये मजबूरी कि उससे हॉस्टल या होटल में जहां पर भी रह रहे हैं वो खाली करवाए जा रहे हैं। छात्रों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से हॉस्टल भी बंद हो गए, ऐसे में उनके सामने खाने पीने और रहने की भी दिक्कत है। परेशानी हो रही है, रूम भी खाली करवा रहे हैं, तो इससे अच्छा तो फिर घर ही जाके कुछ करें। दूसरे कामगारों और दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग भी लॉकडाउन से डरे दिखाई दिए। बताया गया कि इनमें ज्यादातर अपने घर लौट चुके हैं। बोल दिया कि घर जाओ, होटल नहीं चल रहा, हम पैसे नहीं दे रहे और खाना भी नहीं देंगे। कोरोना के रिकॉर्ड मरीज मिलने के बाद राजस्थान में 15 दिन के लिए पूरी तरह लॉकडाउन लागू कर दिया गया, जिसका असर वहां बाहर से आकर पढ़ाई करने वाले छात्रों और दूसरे लोगों पर देखने को मिल रहा है।
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 62,000 मरीज सामने आए, जबकि कोरोना से 519 लोगों की मौत हुई है। इस साल अब तक एक दिन में ये सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। वहीं राज्य में कोरोना से बेकाबू होते हालात को देखते हुए सख्त लॉकडाउन लगाया जा सकता है। राज्य में पहले से लागू पाबंदियों के नाकाफी साबित होने की वजह से लॉकडाउन की संभावना बढ़ गई है और इस बात की उम्मीद है कि महाराष्ट्र में आज अगले कुछ घंटों में लॉकडाउन लग सकता है, जिसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कर सकते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य में 15 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की है। हालांकि इस बीच जरूरी सेवाएं, दवा, अस्पताल, दूध, फल और सब्जी बेचने वालों को छूट मिल सकती है। जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर के आज मंत्रिमंडल में चर्चा हुई, कैसे देखते हैं कितना जरूरी है 100% लॉकडाउन, क्योंकि लोग अभी भी रास्ते पर हैं, केसेस कम नहीं हो रहे। लॉकडाउन सभी मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने बहुत जोर से मांग की कि भाई लॉकडाउन के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है। और सही माने अगर हमारी संख्या में कटौती करना है या सही माने अगर संख्या कम करना है तो कोई भी हालत में हमारे को लॉकडाउन के सिवाय पर्याय नहीं। तो एक दिन का एक नौबत, यानी अभी एक अपॉर्चुनिटी दे के, यानी नोटिस दे के कल रात से वो डिसीजन हो जाएगा। हमारे साथ नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं। सर, आज किस तरीके से कैबिनेट में चर्चा हुई, खास करके लोग सड़कों पर हैं, आप लगातार ये कह रहे हैं कि दवाइयों की कमी है, बेड्स की कमी पड़ रही है, लेकिन लोग तैयार नहीं है मानने के लिए, आज क्या चर्चा हुई? जी, आज के कैबिनेट में सभी मंत्री महोदय जी ने पूरी तरह आग्रह किया है मुख्यमंत्री महोदय जी से कि ये कड़क लॉकडाउन की आवश्यकता, अगर चेन कोविड की ब्रेक करनी है तो इसके लिए दूसरा कोई पर्याय नहीं है, क्योंकि संचार बंदी निर्बंध हम लोग देख रहे हैं, लेकिन लोग घूम रहे, गाड़ियां चल रही है और नंबर्स नीचे नहीं आ रहे और लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं कम पड़ रहा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है वो उसको भी मर्यादा है, उसको भी लिमिट है। बाहर राज्यों से भी हम लोग ऑक्सीजन ला रहे हैं यहाँ पर, और सभी पर अभी निर्बंध है, मर्यादा है, और निश्चित रूप से ऐसे ही आंकड़े बढ़ते रहेंगे तो बहुत राज्य में चिंताजनक परिस्थिति निर्माण हो चुकी है और इसे और नहीं बिगड़ने देना है तो निश्चित रूप से कठोर लॉकडाउन की आवश्यकता है। और सभी लोगों ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, उनको विनंती की है और मुख्यमंत्री महोदय इस पर निश्चित रूप से निर्णय घोषित करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर से बेहाल दिल्ली में अब ऑक्सीजन की कमी से लोगों का दम घुटने की नौबत आ सकती है, ये दावा खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। न्यूज 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई देने की मांग की है और साथ ही ट्वीट में ये भी लिखा कि दिल्ली के पास कुछ ही घंटों के लिए ऑक्सीजन बाकी है। कोरोना के हालात पर दिल्ली हाई कोर्ट में भी अहम सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने हालात पर तल्ख टिप्पणी की और ये कहा कि आर्थिक हित कभी भी इंसान की जिंदगी बचाने से ज्यादा अहमियत नहीं रखते। कोर्ट ने मौजूदा हालात में कुछ उद्योगों को ऑक्सीजन की सप्लाई किए जाने पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि अगर वक्त रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो हम करोड़ों लोगों को खो देंगे। हाईकोर्ट की अब दिल्ली में रोजाना ऑक्सीजन की सप्लाई और अस्पतालों के बेड की गिनती को मॉनिटर करेगी। हालांकि केंद्र सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि कुछ जरूरी उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई पर 2 अप्रैल से रोक लगी हुई है। यूपी के मेरठ में हथियारों के साथ डांस करने का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और उसमें दिख रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन पहले यह वीडियो पुलिस के हाथ लगा था, जिसमें कुछ लोग हाथों में पिस्तौल थामे एक मकान की छत पर डांस करते दिखाई दिए। छत पर सजी इस महफिल में ये लोग बेखौफ अपने हाथों में हथियार लहराते हुए नजर आए। इस बीच कुछ बच्चे भी वहां मौजूद थे, बावजूद इसके ये लोग अपनी शान दिखाने से बाज नहीं आए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। अजहर है, वो वीडियो में भी डांस कर रहा है तमंचे पर, उसको अरेस्ट किया गया और उसने फायरिंग करने की भी कोशिश की थी। बताया गया कि जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया उस पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं, जिसके बाद पुलिस अब वीडियो में दिख रहे बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई। कोरोना संकट में मदद के लिए आरएसएस का संगठन सामने आया।
दिल्ली में कोरोना मरीजों की मदद के लिए आरएसएस से जुड़े सेवा भारती नाम के संगठन ने ऑक्सीजन सप्लाई करने की योजना बनाई है। खबर है कि इसके लिए इस संगठन ने दिल्ली को 11 क्षेत्रों में बांटा है ताकि जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई तुरंत हो सके। कोरोना पीड़ितों के लिए ये रोड मैप तैयार किया गया, आप देख सकते हैं सिलेंडर जो ऑक्सीजन के सिलेंडर है वो तैयार है। इतना ही नहीं, पुलिस के साथ मिलकर जरूरतमंदों को आयुर्वेदिक काढ़ा, होम्योपैथिक दवाइयाँ और आइसोलेशन सेंटर की भी व्यवस्था करने का प्लान इस संगठन ने बनाया है। इन सेवाओं के लिए जल्द ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाएंगे। कोई भी आदमी किसी तरह का भी अपनी संकट में है वो हेल्पलाइन के माध्यम से संपर्क कर सकता है और उसको वैसी ही एडवाइस मिलेगी। बढ़ते कोरोना खतरे की वजह से टीएमसी ने चुनाव आयोग से 7वें और 8वें चरण का चुनाव एक साथ करवाने की मांग की। यूपी के अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर को अभी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया। कोरोना के लगातार बढ़ रहे खतरे की वजह से ये फैसला लिया गया। श्रद्धा है, कहीं से दर्शन कर रहे हैं, बाहर बंद है तो ठीक है, बाहर से हम लोग दर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। तेलंगाना में भी बढ़ते कोरोना खतरे की वजह से 1 मई तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके बाद रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोग बिना वजह घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। बिहार में भी कोरोना वायरस तेजी से अपने पांव पसारता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में वहां कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए और 51 लोगों की जान चली गई। अकेले पटना में 24 घंटे में रिकॉर्ड 2100 से ज्यादा केस मिले हैं और वहां इस बीमारी से 11 लोगों ने दम तोड़ दिया है। इसी तरह गया में 1000 से ज्यादा और सारण में 500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। परेशानी की बात यह है कि बड़ी संख्या में डॉक्टर भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। पटना के पीएमसीएच में अब तक 70 डॉक्टर और 50 से ज्यादा नर्सें कोरोना पॉजिटिव हुई हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए 25 अप्रैल को होने वाली बीपीएससी की पंचायत ऑडिटर की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। खबर है कि राज्यों को दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन की कीमत इससे बनाने वाली कंपनियां तय करेंगी। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि 1 मई से पहले कंपनियों को बताना होगा कि वो किस कीमत पर राज्यों को टीका देंगी, क्योंकि 1 मई से ही टीका अभियान का तीसरा चरण शुरू होगा। केंद्र ने अपनी कीमत तय कर रखी है, मगर राज्य और टीका बनाने वाली कंपनी मिलकर वैक्सीन की कीमत तय करेंगी। इसके लिए राज्य सरकार चाहे तो टीका लगवाने वाले लोगों से वैक्सीन की कीमत ले सकती है। यही नहीं, देश की बड़ी कंपनियां और अस्पताल भी इन कंपनियों से कोरोना के टीके खरीद सकेंगे। इन सब के बीच राज्यों को पहले की ही तरह केंद्र से कोरोना की वैक्सीन मिलती रहेगी, जो मौजूदा नियम के तहत 45 साल से ऊपर के लोगों को लगती रहेगी। स्विट्जरलैंड में एक अनोखे रिवाज के साथ गर्मी का आगाज हो गया। वहां एल्प्स पर्वतों के बीच बसे एक पहाड़ी इलाके में हर साल की तरह इस बार भी इस खास रस्म को निभाया गया, जिसमें बर्फ के बने पुतले यानी विंटरमैन को धमाके के साथ उड़ा दिया गया। इसके लिए एक पहाड़ी नदी के करीब घास के ढेर के ऊपर स्नोमैन की तरह दिखने वाले पुतले को खड़ा किया गया। बाद में दमकल कर्मियों की मौजूदगी में इस घास को आग लगा दी गई। जल्द ही आग ऊपर पुतले तक पहुंच गई और उसमें धमाके होने लगे। इस पुतले के राख के ढेर में तब्दील होते ही वहां गर्मियों की शुरुआत का ऐलान कर दिया गया। इस मौके पर आम लोगों के अलावा कई पत्रकार भी वहां मौजूद थे, जो इसका वीडियो बनाते दिखाई दिए। पहनते आनंद